हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज की जो वीडियो है उसमें मैं थोड़ा सा पोस्टाइल का आपको प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगर आपको पोस्टाइल का प्रोसेस का पता है तो आप शेयर कर दें। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगी कि किस तरह से जो है आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और क्या फीसिज हैं और कौन कौन सी कंट्री के लिए जो है वो वैलिड है पोस्टाइल। जैसे कि आपको पता है कि मोफा ने जो है वो पोस्टाइल करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना वो मेथड है। जब मैं अप्लाई कर रही थी स्कॉलरशिप वगैरह के लिए तब पोस्टाइल था कि आपने जो रिक्वायर्ड कंट्री होती है, जैसे कि अगर आपने कोरिया के लिए करना है तो कोरिया की एम्बेसी से ही ये पोस्टाइल होगा, दूसरे कहीं से भी नहीं ये पोस्टाइल होगा। तो उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब खज्जल खराबी होती थी और सारा कुछ। लेकिन अब ये मोफा ने अगर करना शुरू कर दिया तो आई थिंक इट्स द बेस्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको जो है वो लाजमी इस पर करें, ठीक है? तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम जो है वो इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको जो है वो मजीद इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो मिलती रही। और अगर किसी भी चीज की समझ नहीं आती तो आप जो है वो कमेंट वगैरह पे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो वेबसाइट का लिंक वगैरह होगा वो मैं जो है वो साथ में डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिस्ट कर दू पिन कर दूंगी, ताकि आपको ईजी रहे सर्च करने में। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, बाय। तो आ जाते हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है वो क्रोम पे या गूगल पे सर्च करना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, या फिर अपोस्टाइल डॉट मोफा डॉट पीके, गवर्नमेंट पीके भी आप लिख के सर्च कर सकते हैं, या फिर जो है बल्कि मैं इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो अटैच कर दूंगी, ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है? तो जब आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो इसका थोड़ा सा वेबसाइट इस तरह से ओपन होती है ऑफिशियल, ठीक है? तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मतलब किस किस कंट्री में के लिए जो है वैलिड है। तो यहाँ पे हम सर्विसेज में जाते हैं तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंट्रीज दी हुई है। लिस्ट ऑफ कंट्रीज को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर सारी जो है वो कंट्रीज दी हुई के मतलब जो जो मोफा से अपोस्टाइल जो है जिनके लिए वेरीफाई की हुई है। तो यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, अजरबैजान है, उसके बाद जो है ब्राज़ील है, और ये सारी कंट्रीज हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने जिस कंट्री के लिए कर रहे हो वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे सारी कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है। ये यूएसए भी है लेकिन यूएई नहीं है, ठीक है? मतलब दुबई वगैरह के लिए नहीं है। तो यूके भी है इसमें और यूक्रेन भी है और वगैरह वगैरह। तो ये होगी जी लिस्ट। उसके बाद जो है वो हम लोग डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप पोस्टल करवा सकते हैं और इसकी फ़ी वगैरह क्या है। तो ये देखें जी, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स उसमें कौन कौन से आते हैं, लाइक आपका मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह आ जाता है, डिवोर्स का आ जाता है वगैरह वगैरह, और ये सारे इसमें पर्सनल में आ जाते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये इस तरह के आ जाते हैं, लाइक प्रॉपर्टी रिलेटेड और सारी चीज़ें। और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें हमारे सारे आ जाते हैं, सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं मैट्रिक के, उसके बाद जो है FSC के, उसके बाद यूनिवर्सिटी की डिग्री, उसके बाद जो भी मदरसा वगैरह से आपने अगर कोई डिग्री वगैरह ली हुई है, आपका कोई सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप जो है वो अपोस्टल करवा सकते हैं। और इसकी डॉक्यूमेंट की फ़ी क्या होती है, 500 पर डॉक्यूमेंट होती है। मतलब अगर आप जो है वो एक यूनिवर्सिटी की सनद करवा रहे हैं तो अगर आपका एक पेज है तो उसका एक पेज का 500 होगा। जितने पेज होंगे उतने 500 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपके उतने 500 जो है वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मोफा से अपोस्टल करवा सकते हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम चले जाते हैं कि मतलब हमने जो है वो अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक करनी है। तो इट्स वेरी इजी, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। आपने जो है वो होम पे चला जाना है, ये है कि ये बुक एन अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से पेज जो है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आप अपना नेम वगैरह ऐड करना है, आपका जो भी नाम है अपने फुल नाम लिखना है, ठीक है? उसके बाद जो है आपका जो भी CNIC है वो आपने लिखना है। मैं यहाँ पे कोई भी मतलब लिख देती हूँ रैंडमली, यहाँ पे कोई भी रैंडमली लिख देती हूँ, ठीक है? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आपने इंटर करना है, फ़ोन नंबर कोई भी आप जो भी आपका फ़ोन नंबर है आप लिखें उसको, ठीक है? ये वैलिड होना चाहिए, लाइक जो आप यूज़ कर रहे हैं आपके यूज़ में है आपका पर्सनल नंबर है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है, ठीक है? मैंने रैंडमली कोई भी पुट कर दिया। उसके बाद जो आपका ईमेल है वो आप लिखें यहाँ पे, जैसे कि मैं अपना ईमेल लिख लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल rishik@gmail.com। उसके बाद जो है आपका आप यहाँ पे फिर जो है वो डेट्स जो है वो अवेलेबल जो जो डेट्स हैं वो आप दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं जी, 5 की अवेलेबल है, नहीं, नो स्लॉट अवेलेबल। ओके, हम 28 देख लेते हैं, इसका भी कोई स्लॉट नहीं है,
बहुत ही ज़्यादा जो है वो बच्चे कर रहे हैं, तो जून और जुलाई की भी स्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। तो मतलब अभी बहुत ही ज़्यादा रश हुआ हुआ है, तो अभी कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। खैर, आप यहाँ से जो है वो अपनी डेट देख सकते हैं कि जो भी आपको डेट मिल रही हो, आप यहाँ पे भी डेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है अवेलेबल स्लॉट में, यहाँ पे वो सारा टाइम आ जाएगा, मतलब कि हर 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जो है वो मतलब होती है अपॉइंटमेंट होती है। तो आपको जो भी टाइम यहाँ पे सूटेबल लगे, सुबह 8 बजे से जो है वो शाम आई थिंक 6:30 बजे तक की स्लॉट्स होती हैं, तो आपको जो भी टाइम सूटेबल लगे वो आप टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से फिर जो है वो आप सबमिट करवा देंगे, और फिर जो है वो आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगी, डॉक्यूमेंट फाइल आ जाएगी, आप उसको जो है वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके अपने साथ में जाना जब आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपोस्टल करवाने के लिए जाएंगे। तो ये बहुत ही ईजी तरीका था, तो जो चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। अब ये है कि रश बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब यकदम ही ओबियसली आपको एक फैसिलिटी मिलती है तो लोग उसी की तरफ भागते हैं ना, तो इस वजह से रश बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए जो है वो हर किसी की यही कोशिश है कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो अपोस्टाइल करवा ले जितना जल्दी हो सकता है। तो इस वजह से जो है वो स्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं है, लोगों ने ऑलरेडी 2 महीने की जो है वो पहले ही एडवांस में ही जो है वो बुक करवा ली है। तो आप चेक कर लें कि अगर कोई भी कैंसिल करता है यहाँ पे स्लॉट, तो आपको जो है वो फिर उस दिन की जो है वो कोई भी स्लॉट वगैरह अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है। तो ये था सारा जो है प्रोसेस। होप्सो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।